हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम? आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो हमने प्रीवियस चैप्टर कौन सा पढ़ा है, हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा बेटा डेवलपमेंट का। कौन सा चैप्टर पढ़ा बेटा हमने? डेवलपमेंट, कि मतलब हर ह्यूमन का डेवलपमेंट होना जरूरी है, हर कंट्री का डेवलपमेंट होना जरूरी है। अगर कंट्री को डेवलप होना है तो कंट्री के डेवलप होने के लिए जरूरी क्या है कि उस कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो। क्या जरूरी है उसके लिए कि उस कंट्री की क्या डेवलप हो? इकोनॉमी, उस कंट्री की डेवलप होना जरूरी है। इकोनॉमी के डेवलप होने से हमारा मतलब क्या है कि वो कंट्री ग्रोथ करे, उस कंट्री के अंदर इकोनॉमी के जितने भी फैक्टर्स हैं, उस कंट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शन या जितनी भी चीजें अवेलेबल है वो सब क्या होने लगे, वो सब धीरे धीरे डेवलप होने लगे। कंट्री ओवरऑल, जो कंट्री के जितने भी सेक्टर्स हैं, कंट्री की इकोनॉमी की क्या है बेटा, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स में क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर उन सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगा तो कंट्री की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्या करेगी? ग्रो करेगी। उस कंट्री की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्या होगी? बढ़ने लगेगी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमी की, किसी की कंट्री भी की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। शुरू करते हैं मैडम चैप्टर को, ध्यान से पढ़ेंगे आप। देखो हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई सा भी देश हो, कहीं भी देख लो, बहुत सारे लोग रहते हैं उस देश में और हर तरह के लोग कई सारे काम कर रहे होते हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम में क्या करते हैं? एंगेज होते हैं। पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। देखो आप भी अपने आसपास देख लो, मैं टीचिंग कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आपके फादर हो सकता है शॉपकीपर हो सकता है, कोई जॉब करते हो सकता है, एग्रीकल्चर करते हो। आप अपने आसपास भी अगर 100 लोगों को उठा के देखोगे ना, तो उन 100 लोगों के अगर आप कंपेरिजन करोगे उनका, तो वो सारे के सारे लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे होंगे। कोई दुकानदार है, कोई दूध बेचता है, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कपड़े की दुकान करता है, कोई किराने की दुकान करता है, कोई हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हो। हर तरह के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में क्या होते हैं बेटा, एंगेज होते हैं, अलग अलग तरह के वो काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अखबार बेच रहा है, कोई कुली का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो अखबार बेच रहा है, कुली का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। ये यहां पर क्लोथ सेलिंग का काम कर रहे हैं, ये यहां पर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। क्या यहां पर ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है? अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या है बेटा? सर्विस। यहां पर क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है? सर्विस। यहां पर ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। अभी ब्रिक्स के लिए मिट्टी आई, नेचुरल रिसोर्स है। ब्रिक्स इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, लेकिन उसके लिए जो क्ले यूज में ली जा रही है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। यहां पर हो रही है ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग, ये भी क्या है? सर्विस है, ठीक है। और यहां पर हो रहा है एग्रीकल्चर, मतलब अलग अलग तरह के लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में वो सब लोग क्या है बेटा? एंगेज्ड है। उन सब के द्वारा किए जाने वाले कामों को ही हम अलग अलग सेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, फिर बाद में सब कर सकते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जितने भी लोग सर्विस सेक्टर में एंगेज हैं, ये टेरिटरी सेक्टर का पार्ट हो गए। जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गए। जो किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट कहलाएंगे। कह रहे हैं तक बात समझ में आ गई सबको? तो बेसिक सी बात क्या, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में क्या है? एंगेज्ड है। और जो अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं ना, दिस मेक्स अप द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और यही वेरियस एक्टिविटीज कंट्री की अलग अलग इकोनॉमीज को क्या करती है? बनाती है, उनको हमारे सामने प्रेजेंट करती है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं फिर अपन, और क्या लिखा है ध्यान देंगे आप। तो देखो अब ये जो सेक्टर्स हैं, इनको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा? 3 कैटेगरी। प्राइमरी सेक्टर,
जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से बिलोंग करता है, सर्विस सेक्टर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और एक है सर्विस सेक्टर। बात क्या लिखी है यहां पर, तीनों चीजें हैं, प्राइमरी सेक्टर जहां पर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम किए जाते हैं, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर जहां पर प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना उनको फर्दर प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, और तीसरा है टेरिटरी सेक्टर जो कि इन दोनों को सर्विस कर, इन दोनों को क्या करता है, हेल्प करता है, इनकी स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है। क्या बड़ा है, तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। क्लियर है तक? बात हो रही है यहां पर कि तीनों सेक्टर आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। मतलब कि अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होंगे तो टेरिशरी नहीं होगा, टेरिशरी नहीं होगा तो प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा तो प्राइमरी, मतलब तीनों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, टोटली डिपेंडेंट है। कैसे, देखो आपकी ना बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है टोमेटो मैन्युफैक्चरिंग का, हम उसी से इसको कनेक्ट करके बात को समझेंगे। तो वो समझना कि मान लो ये एग्रीकल्चर है, मतलब फील्ड है कोई, और यहां पर क्या हो रहा है, किसान टोमेटो ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, यहां पर कोई किसान टोमेटो का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब ये टोमेटो कहां जाएंगे, दो ऑप्शन है, एक तो ये मार्केट में लाके बेच देगा इनको, अब मार्केट में लाके बेच देगा तो ये तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लोगों ने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। दूसरा क्या करेगा, ये किसी न किसी फैक्ट्री में देगा। क्यों देगा फैक्ट्री में, ताकि इससे क्या बनेगा, कैचअप बनाया जाएगा। अब कैचअप कहां बनेगा, फैक्ट्री में। अब जो इसने फार्मर ने टोमेटो ग्रो किए, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इस टोमेटो से क्या बन रहा है, कैचअप, सेकेंडरी हो गया। अब भैया बात क्या है, कैचअप कहां बना है, फैक्ट्री में, लेकिन यह कैचअप बिकेगा कहां, सोल्ड इन द मार्केट। अब कंफ्यूजन क्या है कि सर बन गया, ग्रो हो गया प्राइमरी सेक्टर में, बन गया फैक्ट्री में, तो टेरेस्ट्री सेक्टर क्यों हो गया, कि इस इतने सारे टोमेटोज को फैक्ट्री में कैसे ले जाओगे, चलो भैया कंधे पे उठा के कैसे ले जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो ये टोमेटो क्या होंगे, खेत में पड़े पड़े सड़ रहे होंगे, ना तो प्राइमरी सेक्टर ग्रो करेगा ना ही सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा। चलो तुमने जैसा फैक्ट्री तो हमने बगल में लगाई खेत के, हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तुमने फैक्ट्री तो खेत के बगल में लगा ली, लेकिन बेचने के लिए कैसे ले जाओगे कैचअप को, वो जो लोग तुम्हारे कैचअप को खरीदेंगे, क्या वो लोग जो लोग तुम्हारे कैचअप खरीदेंगे वो भी क्या तुम्हारी फैक्ट्री के बगल में रहते हैं क्या, नहीं, वो तो पूरे देश में रहते हैं। तो वहां तक पहुंचाने के लिए आपको फिर क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। पहला हो गया टेरिस्ट्री इंडस्ट्री का, अब डिपेंडेंट है ना, टेरिस्ट्री इंडस्ट्री नहीं होगी तो ये ग्रो नहीं करेंगे। बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, सब चीजों की आवश्यकता होती है ताकि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या कर सके, वर्क कर सके। इसलिए हमने यहां पर बात लिखी है, क्या लिखा है बेटा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री या नेचुरल रिसोर्सेज से आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो। देखो आगे जाकर पढ़ोगे ना आप तो प्राइमरी सेक्टर भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्टर भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है ना, नेचुरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, कई सारे पार्ट्स यहाँ पर डिवाइडेड हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कई सारे पार्ट्स हुआ थे। लेकिन अभी हमारे लिए क्या है कि केवल प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिस्ट्री, हमें सिर्फ ये तीनों चीजों पर ही फोकस करना है। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब समझ में आ गया, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल रिसोर्सेज, जो मिनरल्स वगैरह से हम डील करते हैं वो भी क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट मिलेगा उसको फर्दर प्रोसेस करके, जैसे शर्ट बना दिया, बैग बना दिया, शूज बना दिया, कार बना दिया, फर्नीचर बना दिया, है ना। और टर्शियरी सेक्टर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेडर हो गया। अब बेचने वाला नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरर थोड़ी ना घर पर जाके बेचेगा,
कौन बेचेगा इन प्रोडक्ट को? बीच में कोई ना कोई लोग होंगे, वही इनको प्रोडक्ट को सेल करेंगे। क्लियर है यहां तक? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों क्या है? आपस में दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन। अगला टॉपिक क्या है आपका? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जब तीनों के बारे में हमको पता है, तीनों इंटरडिपेंडेंट है, तो तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर, और क्या होता है टर्शियरी सेक्टर, तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात क्या करते हैं बेटा हम किसकी? प्राइमरी सेक्टर की। क्या है प्राइमरी सेक्टर? एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन, एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्ट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, चाहे वो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्ट फार्म प्रोडक्ट हो गए, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट हो गए, चाहे वो मिनरल्स हो गए, डायरेक्टली हम इन्हीं में डील कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट का पार्ट है। लेकिन दूध से अगर दही बनाकर, पनीर बनाकर या कुछ और चीज बनाकर बेच रहे हैं ना, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। हम कॉटन बेच रहे हैं, क्या कहलाएगा? वो प्राइमरी इंडस्ट्री। लेकिन कॉटन से जब कपड़ा बनेगा तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। कोल बेच रहे हो, प्राइमरी इंडस्ट्री, लेकिन कोल को यूज करके कुछ और बनाकर बेच रहे हो तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? व्हेन वी प्रोड्यूस गुड बाय एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करके जब कोई गुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, वो भी क्या कहलाएंगे? प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट कहलाएंगे। एग्जाम्पल हो गया कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, डेयरी फार्म या मिनरल्स और ओर्स। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर क्यों चाहिए? अभी हमने समझा ना, प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर अपना काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? प्राइमरी सेक्टर ही प्रोवाइड करवाता है। तो प्राइमरी सेक्टर ना बेस हो गया, नींव हो गया। ये नहीं होगा तो आगे ना तो सेकेंडरी सेक्टर काम करेगा ना टर्शियरी सेक्टर काम कर पाएगा। क्या लिखा है? इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। क्लियर? इसके बाद सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर या रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर भी इसको कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होने, एग्जाम में आ जाए कि सर डिफाइन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, लिखना क्या है? वो प्राइमरी सेक्टर को ही आपको डिफाइन करके आना है। क्लियर? तो प्राइमरी सेक्टर कंप्लीट है बेटा सबके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, जो कौन सा है बेटा आपका? सेकेंडरी सेक्टर। क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर, ध्यान देते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है बेटा, कि जहां पर प्राइमरी सेक्टर से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं ना, उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, उनको फर्दर प्रोसेस करके सॉरी एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और फिर उसको मार्केट में अवेलेबल करवाया जाता है। यह काम किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का। क्या लिखा है ध्यान देना, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स, है ना, इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से जो जुड़े हुए काम होते हैं वो सब कहां होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट है ना वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। शुगर केन से आप क्या बना रहे हो? शुगर या जैगरी बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कॉटन से क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्ले से आप ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फिर ब्रिक से कोई बिल्डिंग बना रहे हो। ये सब किसका पार्ट है? सेकेंडरी सेक्टर का ही ये सारा पार्ट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्या है और? दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ग्रेनाइट इंडस्ट्री हो गई, ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिलती है, शुगर इंडस्ट्री हो गई, दैट केम अप, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल दिए, जैसे यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ। कॉटन फाइबर से हम सेकेंडरी सेक्टर में जाकर उसको स्पिन करते हैं, यार्न करते हैं और उससे कपड़े तैयार होते हैं।
यूजिंग शुगर कैन एज ए रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़ जैगरी है ना, और वी कन्वर्ट अर्थ, अर्थ मतलब मिट्टी हो गया है ना, इन टू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेस और बिल्डिंग्स. क्लियर? ये सेकंड सेक्टर एज स्टॉप सबको क्लियर हो गया यहां तक भी. अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट सेक्टर बेटा आपका कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर. कौन सा है बेटा? टर्शियरी सेक्टर. ये कोई यहां पर किसी भी प्रकार की गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अपना काम आसानी से कर सके, उन लोगों को सपोर्ट करता है. ये खुद कुछ नहीं करेगा, कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, बस उन दोनों की हेल्प करने के लिए ये काम में आता है. अभी एग्जांपल भी देगा ना कि टोमेटो फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, फैक्ट्री से हमको अगर प्रोडक्ट लाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. अब जरूर होने कि जिस समय वो कैचअप बन गया उसी समय सबके लोग सब खा लेंगे, उसको टाइम भी लग सकता है, महीने दो महीने, तब तक उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसके लिए फिर स्टोरेज चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, है ना. अब कैचअप बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, कहां से आएगा, बैंकिंग सर्विस चाहिए. अब प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन करते समय रिस्क है कि भैया चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो उसके लिए इंश्योरेंस चाहिए. तो हर सेक्टर क्या करता है, ये सब, ये सारे काम जो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक है, कम्युनिकेट करना, आपको ऑर्डर देना है, आपको ऑर्डर रिसीव करना है, फार्मर को फोन करना है, भैया मुझे इतने टोमेटो भेज देना, अपने सेलर जो आपके सप्लायर है उनको सेल करना, फोन करना है भैया हमारे पास कैचअप रेडी है, आप आके ले जाओ. तो सब किससे होगा, कम्युनिकेशन से. नहीं तो क्या होगा, आदमी चिट्ठी लिखेगा, चिट्ठी पता नहीं कभी कब पहुंचेगी. कम्युनिकेशन भी जरूरी है. तो ये सारे सेक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की, क्या कहलाते हैं बेटा, टर्शियरी सेक्टर कहलाता है. क्लियर? कोई डाउट है इसमें? क्या क्या ध्यान देना कि दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में जो हेल्प करती है वो क्या कहलाती है, टर्शियरी सेक्टर कहलाता है. दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड्स, ये कोई कुछ कुछ भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करती हैं, बट दे आर एन एड, हेल्प करती हैं और ए सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. केवल प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करती हैं, सब हेल्प करती हैं. सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रेदर देन द गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, यहां पर क्या होता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है. द टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. कौन कौन से हैं, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ठीक है, आपके यहां पर होलसेल और रिटेल ट्रेड हो गया, और कम्युनिकेशन हो गया. ये सब क्या है, आपके टर्शियरी सेक्टर के एग्जाम्पल है. क्लियर है बेटा? टर्शियरी सेक्टर भी क्लियर है सबको? आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करें अपन, आगे ध्यान देते हैं. आगे बात करते हैं कि सर्विस सेक्टर में, अच्छा केवल इतना ही नहीं है, आज जैसे एज ए टीचर मैं यहां पर काम कर रहा हूं, एक बार्बर आपके जो बाल काट रहा है, बार्बर है ना, आपका वॉशरमैन आपके लिए जो कपड़े धोके दे रहा है, ठीक है, आपके जो लॉयर्स हैं, जो कॉबलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब भी किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं. इसके अलावा और क्या सर्विस सेक्टर में आ जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, वो भी सर्विस सेक्टर है. रेस्टोरेंट खाना दे रहा है वो अलग चीज है, लेकिन खाने के साथ वो सर्विस भी दे रहा है आपको, इसलिए प्लेट लेके आएगा, प्लेट को धो के रखेगा, प्लेट थोड़ी ना हम घर लेके आते हैं, खाने तो खा के आते हैं ना हम, बाकी उसके अलावा जो सर्विसेज भी तो दे रहा है वो, आप एटीएम से पैसे निकालने गए तो वो भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो वो भी क्या है, सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है. तो वही लिखा है कि सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, धोबी, बार्बर, नाई, कॉबलर, कॉबलर किसको कहते हैं, तो जूते ठीक करता है आपके, मोची, लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क. इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट कैफे, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. ये भी बड़ी important तरीके से हमारे सामने emerge हुई हैं. आगे बात करते हैं बेटा अपन. Next topic है आपका. अब इन तीनों sectors को अगर हम compare करें, हम चाहते हैं कि भैया कि अब देखो हर country ये भी देखना चाहती है, हर country के लिए जानना जरूरी है कि तीन sector काम कर रहे हैं, सबसे best कौन सा है, कंट्री के लिहाज से सबसे बेस्ट सेक्टर इनमें से कौन सा है,
प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ताकि उसके ऊपर फोकस किया जाए, ताकि उसको और ज्यादा डेवलप करने का प्रयास किया जाए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करो तीनों को। अब कंपेयर करने के दो तरीके हमारे पास, पहला है क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दीज सेक्टर्स, और दूसरा है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दीज सेक्टर्स। छोटा सा एग्जांपल दें, प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा है, पोटैटो ग्रो है, सेकेंडरी सेक्टर में कार बन रही है। अब आप एक पोटैटो को, एक पोटैटो एक कार, भैया सर्विस सेक्टर में ना 1,00,000 पोटैटो ग्रो हो गए प्राइमरी सेक्टर में, तो क्या सेकेंडरी सेक्टर में 1,00,000 कार बनेगी तब जाके दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वो वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यही बात है कि कंपैरिजन के लिए हम क्वांटिटी को बेस नहीं बना सकते, आपको वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। क्या है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है कि प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, उसके अलावा बहुत सारे लोग इनके अंदर काम भी कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम बात करें कि प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारी जीडीपी में, वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, लेकिन 50% लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम, नंबर ऑफ पीपल इंगेज ज्यादा। अगर हम नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से बात करेंगे भैया कौन सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो फिर तो प्राइमरी सेक्टर आगे निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। तो ना तो हम क्वांटिटी के बेस पर बात कर सकते हैं और ना ही हम किसके बेस पर बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन दिस सेक्टर्स। अब बात क्या है कि हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, अगर इसके बेस पर कंपेयर किया जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो फिर इनको कंपेयर कैसे करें, या फिर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कौन से सेक्टर में कितना हो रहा है या कितने लोग काम कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। कैलकुलेट करने का एक तरीका क्वांटिटी बेस्ड नहीं कर सकते, जैसे मान लो हम बात करें एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोगों ने मिलकर 1,00,000 रुपए कमाए, इधर 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोगों ने मिलकर 2,00,000 रुपए कमाए, तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, उन 2 लोगों की या 6 लोगों की? 2 लोगों की वैल्यू ज्यादा, 2 पीपल्स आर अर्निंग मोर। तो वैल्यू के बेस पर कंपैरिजन किया जाएगा, ना कि नंबर के बेस पर। नंबर के बेस पर बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में 6 लोग काम कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं वहां पर। तो वो कैलकुलेशन किसके बेस पर होगा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें अपन, अभी मैंने समझाया कि विद सो मेनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इट इज इंपॉसिबल टास्क टू एड अप ऑल दीज लाइक कार्स एंड कंप्यूटर्स। अब हम एक कार का और एक कंप्यूटर का कंपैरिजन करें, भैया एक कंप्यूटर प्रोडक्शन हो गया और एक कार का प्रोडक्शन हो गया, दोनों इक्वल है, कंप्यूटर की वैल्यू 30,000 अच्छे से अच्छा होगा, कार की वैल्यू 10 लाख 12 लाख 15 लाख, तो कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? यह हम कंपेयर करें किसका, नेल्स एंड फर्नीचर, एक कीली का और फर्नीचर का, भैया एक बेड एक कीली, एक सोफा एक कीली, कंपेरिजन इक्वल, वो गलत हो जाएगा। हम क्वांटिटी के बेस पर कंपेरिजन नहीं कर सकते। क्या लिखा है, सो टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, तो इस समस्या का समाधान क्या है, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट विद द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। बोले नंबर पे जाओ ही मत, किसकी बात करो आप, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की ही बात की जानी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा, मन और ध्यान से समझते हैं क्या है। तो कंपेयरिंग एंड कैलकुलेटिंग वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कि वैल्यू इज यूज्ड नॉट क्वांटिटी, हमने बात की यहां पर कि वैल्यू को काम में लेना चाहिए, लेकिन वैल्यू को एज अ बेस यूज लेते समय भी हमें एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, एक प्रिकॉशन वहां पर काम में लेना पड़ेगा। और वो सावधानी क्या है, वो प्रिकॉशन क्या है, क्या होता है कि नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। इस पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना, आपकी बुक का एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझना। एक फार्मर, इसने मान लो 1000 kg व्हीट प्रोड्यूस किया और इसने इसको सेल कर दिया ₹10 per kg में, ठीक है, ₹10 per kg में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई,
फार्मर का प्रोडक्शन कितना हो गया, वैल्यू पे चल रहे ना अपन 10,000 का। अब एक्चुअलिटी में क्या है, किसने ये जो सेल किया ना, ये किया एक फैक्ट्री को। कौन सी फैक्ट्री, जो क्या बनाएगी, बिस्किट बनाएगी, है ना, देख लेना स्पेलिंग, क्या बनाएगी ये, बिस्किट बनाएगी, ठीक है। अब बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री ने वीट खरीदा कितने का, 10,000 का। कितने खरीदा वीट, 10,000 का। इसमें इसने अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, मान लो 5,000 के, इसका प्रोडक्शन कितना हो गया। अब अगर इस केस में हम टोटल प्रोडक्शन देखिए कंट्री का, और अगर आप टोटल प्रोडक्शन कितना कर देते हो, सब 10,000 तो फार्मर ने किया है और 15,000 किसने किया है, मैन्युफैक्चरर ने, तो टोटल कितना हो गया, 25,000। तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये जो 15,000 है इसमें 10,000 तो शामिल है, फार्मर वाले 10,000 तो इसमें पहले से शामिल है, तो ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। हमें हमेशा जो वैल्यू काउंट करनी है ना, वो किसकी काउंट करनी है, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू काउंट करनी है। किसकी वैल्यू काउंट करनी है, हमेशा फाइनल प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं वापस और लेता हूं यहां पर, कि मान लो ये जो क्वांटिटी है 1200 होती केजी, अब ये कितने की होगी, 12,000 की। इस 12,000 में से 10,000 तो इसने कहां दे दिए, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को, और 2,000 इसके जो टोमेटो है ना या वीट है, इसने मार्केट में सेल कर दिया। तो ये 2,000 फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन ये 10,000 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा, इसमें फर्दर प्रोसेस होंगे, ओके, फिर कुछ और बनेगा। तो इसकी जो वैल्यू 15,000 प्लस 2,000, 17,000 पे फिर आपका प्रोडक्शन काउंट होना चाहिए, ना कि 25,000। 25,000 करोगे तो वो गलत हो जाएगा। आई जस्ट होप आई एम क्लियर, क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही ना आपको। तो वही बात यहां पर लिखी है कि क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखना है, कि नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। केवल किसकी वैल्यू काउंट करनी है, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। केवल किसकी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए या कैलकुलेट करना चाहिए। क्लियर, क्यों, क्योंकि बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑलरेडी इन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है फाइनल के अंदर, तो उसको अलग से दोबारा एड करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं अपन बेटा। और क्या लिखा है, ध्यान देना कि अब आप अगला टॉपिक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। कंट्री के अलग अलग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो इन तीनों में जो प्रोडक्शन हो रहा है, तीनों सेक्टर्स में, इनको आपस में ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस ध्यान रखना है ना, इंटरमीडिएट को यहां भी काउंट नहीं करना है, प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। The sum of production in the three sectors gives what is called the gross domestic product or GDP of a country. Clear? GDP की definition बिल्कुल clear होनी चाहिए, I think. GDP is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. एक particular year में जो भी production हो रहा है वो GDP कहलाता है। अब लेकिन GDP में क्या है, GDP calculate करना है ना, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है ना। पूरे देश का हर व्यक्ति जो कोई ना कोई काम कर रहा है, हर व्यक्ति जो कोई ना कोई काम कर रहा है, और उसके द्वारा किए गए हर काम को आप ऐड करोगे तब जाके जीडीपी निकलेगी, तो एक आदमी के बस की बात तो नहीं है। तो ये जो है ना, ये मैनमौत टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, बहुत माथा पच्ची वाला काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो भैया ये काम कौन करता है, ये काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है। कौन करता है ये काम, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी दी, भैया वो इस काम को करेगी। और वो काम कैसे करेगी, ये मिनिस्ट्री क्या करती है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी, वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, उन सबको दे दिया, भैया तुम अपने अपने यहां का जीडीपी बताओ, तो सब अपने अपना जीडीपी कैलकुलेट करेंगे अपने अपने एरिया का, वो कैलकुलेट करके उसको देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर हर व्यक्ति का ऐड नहीं करना है, जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यूनियन टेरिटरी से जो डेटा इकट्ठा होगा ना, उनको उन सबको ही केवल क्या करना है, एडअप करना है। वही बात लिखी है कि दिस मिनिस्ट्री
with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collect information relating to the total volume of goods and services and their prices, then estimates the GDP. Clear है? तो आई जस्ट होप आज मैंने जितनी बातें बताई वो सब क्लियर होंगी आपको. नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. एक बार आप घर पर रिवाइज करते रहे, अपनी बुक को जरूर रीड करते रहे बेटा, ठीक है? तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड.